फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ पांच ऐसे फेज वर्ड्स जिसको आपको जानना ही होगा, क्योंकि हमें अपने डेली लाइफ में ये सभी फेज वर्ड्स अक्सर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहना। जैसे अगर आपको कहना हो नशा से दूर रहो तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप ऑफ स्मोकिंग। अगर आपको कहना हो कि मोबाइल से दूर रहो तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप ऑफ द मोबाइल। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। आइए अब दूसरा फेज वर्ड देखते हैं, कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। जैसे अगर आपको कहना हो कि लिखना जारी रखो तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कीप ऑन राइटिंग। बोलना जारी रखो, कीप ऑन स्पीकिंग। पढ़ना जारी रखो, कीप ऑन रीडिंग। काम करना जारी रखो, कीप ऑन वर्किंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि कीप ऑन का मतलब होता है किसी काम का जारी रखना। आइए फ्रेंड्स, अब तीसरा फेज वर्ड देखते हैं, कीप आउट का मतलब होता है बाहर रखना। जैसे इसे बाहर रखो, कीप इट आउट। अगर आपको कहना हो कि ईमानदारी डर को बाहर रखती है या दूर रखती है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑनेस्टी कीप्स फियर आउट। यानी ईमानदारी डर को बाहर रखती है या दूर रखती है। फ्रेंड्स, कीप बैक का मतलब होता है आगे बढ़ने से रोकना। जैसे गरीबी मुझको आगे बढ़ने से रोक दी है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पॉवर्टी कीप्स मी बैक। यानी गरीबी मुझको आगे बढ़ने से रोक दी है। अगर आपको कहना हो कि वे मुझे आगे बढ़ने से रोके तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे केप्ट मी बैक। यानी वो लोग मुझे आगे बढ़ने से रोके। आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? Who will keep you back? आइए फ्रेंड्स, लास्ट फेज वर्ड देखते हैं, कीप अंडर का मतलब होता है किसी के दबाव में होना या किसी के प्रेशर में होना। जैसे पुलिस नेताओं के दबाव में रहती है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुलिस कीप अंडर द लीडर्स। यानी पुलिस नेताओं के दबाव में रहती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये पांचों फेज वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये पांचों फेज वर्ड समझ में आया तो क्या एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दूं, अब आप मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।